भारतवर्ष के सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत की दौरा किया, लेकिन किन्हीं ने उन्हें भाव नहीं दिया। इस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में हाथ मिलाए, उसका क्या परिणति हुआ आप देख ही रहे होंगे। राजनीतिक दल के गोद में वो चले गए जिनके खिलाफ लड़ाई लड़कर एनडीए की सरकार बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत इन सारी चीज़ों से देश और देश के लोगों से मतलब रहा। कांग्रेस इसको एक मुद्दा बनाकर सदन को बाधित कर रही है, ये कहीं से भी उचित नहीं। अडानी का जहाँ तक मामला है वो तो अडानी बताएंगे या जिनका जिस बैंक से उनका जुड़ाव है, लेकिन सरकार को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उस संदर्भ में तो सारी बातें कही गई। अभी पूरे देश में जो है अडानी प्रकरण बहुत चर्चा में, उस पर भी दो शब्द कहिए कुछ। नहीं देखिए, जिस प्रकार से जो एक रिपोर्ट आया, आप समझ रहे हैं कि वो विदेश की एजेंसी है तो वो अपना काम करती है, लेकिन अडानी का जहाँ तक मामला है वो तो अडानी बताएंगे या जिनका जिस बैंक से उनका जुड़ाव है, लेकिन सरकार को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जो ये बातें कही जा रही है, लगता है कि उसको जिस स्वरूप में आना चाहिए था पब्लिक डोमेन में वो नहीं आ पाया। अडानी जी ने कई चीज़ों का विस्तार से चर्चा की है, हम भी देखें आज हल्के इंडिया टुडे में भी देखें कि वो सारी चीज़ आई है, वो देखेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस इसको एक मुद्दा बनाकर सदन को बाधित कर रही है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए सदन, वो भी बजट सत्र है, उस पर सदन में पूरे देश की चर्चा होगी और जो बजट में जो अच्छी बातें आई है उसमें कुछ और सुझाव हैं, जिससे कि बजट पारित करने के समय उन सारी चीज़ों को सरकार स्वाभाविक तौर पर उन चीज़ों को देखती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत इन सारी चीज़ों से देश और देश के लोगों से मतलब रहा नहीं। वो इस तरह की बातों को उठाकर, ठीक है अडानी ने अगर कुछ गलती की होगी तो वो फिर उसके कई प्रावधान हैं, लेकिन अनावश्यक उनको जानबूझकर घसीटकर पूरे संसद को बाधित करने का कोई औचित्य नहीं। इसी तौर पर महागठबंधन की जो सरकार अगस्त में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनी, और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने जनादेश को नकारने का काम किया और ऐसे राजनीतिक दल के गोद में वो चले गए जिनके खिलाफ लड़ाई लड़कर एनडीए की सरकार बनी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से 90 के दशक पर जो टिप्पणी की थी वो आप सम्मुख भी याद होगा, और उस समय आपने देखा होगा कि बिहार से कितने परिवार पलायन कर गए थे, और उसी के खिलाफ और गैर कांग्रेसवाद का नारा देकर ये जो दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे नीतीश जी से नेता हों, इकट्ठे हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में हाथ मिलाए, उसका क्या परिणति हुआ आप देख ही रहे होंगे कि उन्होंने भारतवर्ष के सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत की दौरा किया, लेकिन किन्हीं ने उन्हें भाव नहीं दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार आए तो उनको लगा कि कहीं कहीं वो बिहार को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जब अपना विपक्षी दलों के साथ उन्होंने जो रैली की उसमें बिहार के मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण भी नहीं दिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी परिस्थितियां हैं और वो हताशा के शिकार हो चुके हैं। सर नीतीश आशीर्वाद इजी कॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।